हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लाइव ट्रेड करने वाले हैं यूरो यूएसडी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ से मैंने जस्ट अभी ट्रेड को प्लेस किया है, -$0.70 का चल रहा है अभी लॉस। यहाँ पे मैंने ट्रेड को क्यों प्लेस किया है, क्या है रीजन, सब कुछ हम इन डिटेल समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये देखिए, ये एक रजिस्टेंस एरिया है और फाइनली देखिए मार्केट इस रजिस्टेंस को यहां पे काफी अच्छे से फेस कर रहा है। जस्ट अभी यहां से मैंने ट्रेड को प्लेस किया है। यहां पे मैंने आज बहुत छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लिया है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए मैंने किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम यहां पे यूज किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने देखा एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। इसके बाद यहां पे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुए, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम 15 मिनट से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहां से शिफ्ट हुए। देखिए जस्ट मैंने यहां से अभी 1 मिनट पहले ही ट्रेड को प्लेस किया है। ये क्या दिख रहा है आपको, यहां पे आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहां पे देखने को मिला, ठीक है। तो फर्स्ट यहां पे ब्रेकडाउन को देखते हुए यहां से ट्रेड को प्लेस किया है। एंट्री जस्ट यहां पे हमारा इस लेवल के आसपास ही हुआ है, ठीक है। ये हमारा एंट्री हुआ है 90.34 का, ठीक है। यहां पे देंगे ट्रेडर्स हम स्टॉप लॉस, बहुत ज्यादा छोटा रहेगा स्टॉप लॉस। एंड टारगेट की बात करें तो हम टारगेट इस लेवल के आसपास बहुत आसानी से यहां पे देने वाले हैं, ठीक है। तो ये है रहेगा हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, छोटा सा ट्रेड रहेगा ये हमारा, छोटा सा एकदम छोटा सा ट्रेड रहेगा, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं अभी किस तरीके से यहां पे मोमेंटम आता है, देखेंगे अभी ट्रेडर्स। तो यहां पे देखिए काफी अच्छे से मार्केट ने ब्रेकडाउन के बाद फॉल कर सकता है बहुत अच्छे से, बहुत कम टाइम में यहां पे हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। काफी अच्छा सेटअप था। वीडियो के आगे और हम इन डिटेल समझने वाले हैं किस लॉजिक के साथ ट्रेड को प्लेस किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से हम छोटे टाइम फ्रेम में किस तरीके से शिफ्ट हुए, किस तरीके से हमने कंफर्मेशन लिया, इसके बाद यूरो यूएसडी में हमने ट्रेड को प्लेस किया, सब कुछ वीडियो के आगे इन डिटेल समझने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ट्रेडर्स, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। देखिए ट्रेडर्स, अभी यहां से मार्केट थोड़ा बहुत बाय में जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ग्रीन कैंडल बनाता हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमारे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर देंगे। स्टॉप लॉस यहां पे हम देने वाले हैं 9119 का। ये मैं स्टॉप लॉस यहां पे मॉडिफाई कर दे रहा हूं, ये मैं कर दे रहा हूं यहां पे 9119 का रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, ये 19 का हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। और ट्रेडर्स यहां से अपना स्टॉप लॉस भी मैंने मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा 9190 का स्टॉप लॉस, ठीक है, ये मैंने मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। चलिए अभी यहां पे हम देखेंगे बड़े वाले टाइम फ्रेम में। ये मैं अगेन चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ट्रेडर्स, ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ चुका हूं। तो ट्रेडर्स, यहां से देखिए चार्ट को अगर हम जूम करेंगे और जूम करके यहां से समझना चाहेंगे, तो यहां पे देखिए मार्केट आपको इस लेवल से रेजिस्टेंस लेता हुआ साफ साफ यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, बड़े वाले टाइम फ्रेम में यहां पे कंफर्मेशन लिए वेट किया। यहां पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लेने के बाद देखिए यहां से नेगेटिविटी मार्केट ने शो किया है, काफी ज्यादा सिंपल सेटअप है। इसके बाद हम शिफ्ट हुए छोटे वाले टाइम फ्रेम में। ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम फर्स्ट टाइम यूज किया है ट्रेडर्स, फर्स्ट टाइम मैंने यूज किया है। बाकी मैं बड़े टाइम फ्रेम में ही करता हूं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में काफी हाई वोलेटिलिटी होती है। लेकिन मैं काफी टाइम से, कुछ दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दिनों से हमारी लाइव ट्रेडिंग वीडियो नहीं आ रही, तो मैं कुछ दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूं बड़े वाले टाइम फ्रेम से छोटे वाले टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के लिए। तो अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार सेटअप है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करने के बाद अगर छोटे वाले टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं कंफर्मेशन के लिए, तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है ट्रेडर्स, और टारगेट की बात करें तो टारगेट बड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं हम टारगेट किस लेवल का यहाँ पे लेने वाले हैं। तो ट्रेडर्स, टारगेट के लिए हम देखिए यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर लिया, और टारगेट के लिए ये वाला जो लो है ना, इस लेवल का यहाँ पे हम देने वाले हैं, ठीक है। बहुत आसानी से और बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो की बात करें ट्रेडर्स, तो 1.28 का यहाँ से हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ से किस तरीके से मोमेंटम आता है यूरो यूएसडी में, मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
अभी देखिए ट्रेडर्स यहाँ से फॉल कर दिया है और टारगेट के देखिए एकदम पास में ही है हम। थोड़ा और फॉल करेगा तो बहुत आसानी से यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा। बाकी प्रॉफिट की बात करें तो छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे हमारा चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा और वेट करते हैं, यहाँ से प्रॉपर वेट करेंगे हमारे टारगेट के लिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे ट्रेड को हम एग्जिट करने वाले हैं। फाइनली ट्रेड यहाँ से मैंने एग्जिट कर लिया है और सेटअप काफी अच्छा था ट्रेडर्स। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया है देखिए $11.20 का, ठीक है। एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे हमने बुक किया है। चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ से लॉजिक को समझ लेंगे, किस लॉजिक के साथ ट्रेड को प्लेस किया था सेल डायरेक्शन में यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में। तो ट्रेडर्स देखिए अभी यहाँ से जैसे ही हमने ट्रेड को एग्जिट किया मार्केट ने थोड़ा और यहाँ पे फॉल कर दिया। तो अभी क्या होता है ना, छोटे वाले टाइम फ्रेम में जब हम यहाँ से कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे एंट्री करते हैं तो ट्रेडर्स हमेशा ध्यान देना आपका टारगेट काफी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हम चाहें तो इस लेवल के आसपास भी टारगेट दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने श्योर टारगेट दिया इस लेवल के आसपास। चलिए मैं आपको आगे भी समझाने वाला हूँ किस तरीके से हम टारगेट बड़ा रख सकते हैं। तो आज जो हमने ट्रेड किया है, सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज किया ट्रेडर्स। इसके बाद यहाँ पे हम शिफ्ट हुए छोटे वाले टाइम फ्रेम में, एकदम छोटा टाइम फ्रेम, वो कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ी वॉलेटिलिटी हाई होती है, काफी ज्यादा सोच समझ के हमें ट्रेड करना होता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ दिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये आसानी से हमें समझ में आ जाता है। चलिए यहाँ पे हम लॉजिक को समझेंगे। देखिए बहुत ज्यादा आसान लॉजिक था ट्रेडर्स। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया है, तो सिंपल लॉजिक ये हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन रेजिस्टेंस एरिया। सेकंड कंफर्मेशन क्या है, तो यहाँ से चार्ट को थोड़ा हम जूम कर लेंगे। यहाँ पे ये मैंने चार्ट को जूम कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस एरिया पे आपको यहाँ पे नजर आएगा ये कुछ इस तरीके से कैंडल, यहाँ पे रिजेक्शन वाली कैंडल आपको साफ साफ नजर आएगी। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए सेलर्स भी एक्टिव हुए, यहाँ पे क्या हुआ, ये सेलर्स भी एक्टिव हुए इस लेवल के आसपास। यहाँ पे लो लगा इस कैंडल ने, लेकिन बायर्स भी एक्टिव हुए और यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गए, ठीक है। सेकंड कैंडल में क्या हुआ, सेकंड कैंडल में भी सेलर्स एक्टिव हुए लेकिन बायर्स भी एक्टिव है। अब यहाँ पे थर्ड कैंडल में यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, इस लेवल के आसपास हाई लगाया मार्केट, फिर से यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए और यहाँ पे अपनी कैंडल को क्लोज कर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बायर्स और सेलर्स के बीच में काफी बड़ी फाइट यहाँ पे हो रही है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं। वो कैसे आप पता करेंगे, तो इसके लिए हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ से ओपन कर लिया। अभी ट्रेडर्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक रेड कैंडल्स यहाँ पे बनी है। ऐसा नहीं कि बस कंटिन्यू रेड कैंडल अगर बनती है तो वहां पे सेलर्स एक्टिव, नहीं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया पे यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। तो क्या यहाँ पे हमने सिर्फ कैंडल को देख के ट्रेड को प्लेस किया, नो ट्रेडर्स, यहाँ पे हमने कंफर्मेशन लिया है। जस्ट मिनट, यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए हमारा ट्रेंड लाइन क्या है, ये ट्रेंड लाइन काफी अच्छे से यहाँ से बरकर तो वो आपको नजर आएगा। सिंपल ये हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क किया, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे देखिए यूरो यूएसडी ने ब्रेक डाउन किया, ये ब्रेक डाउन के बाद यहां से तो ये देखिए रिटेस्ट भी किया है। यहां पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद देखिए शार्प फॉलिंग यहां पे हमें देखने। तो यहां पे हमारा जो एंट्री हुआ है ब्रेक डाउन पे ही हमने एंट्री किया है, रिटेस्ट के लिए तो हमने वेट यहां पे नहीं किया है। तो सिंपल कुछ इस तरीके से हमारा एकदम इजी एनालाइज रहा। पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने देखा रेजिस्टेंस एरिया, सेकंड यहां पे हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम आज फर्स्ट टाइम यहां पे यूज किया। काफी टाइम से मैं देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ ट्रेडर्स, तो इसलिए लाइव ट्रेडिंग वाली वीडियो नहीं आई है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बाकी कंटिन्यू अब आपको लाइव ट्रेडिंग वाली वीडियो मिलती रहेगी। जो हमारी स्ट्रेटेजी है थोड़ा सा हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं। पहले हम 1 आवर एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते थे, बट अभी मैं 15 मिनट एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रेडर्स देखिए छोटे वाले टाइम फ्रेम में जब हम ट्रेड करते हैं तो काफी फायदा हो जाता हमारे लिए। देखिए फायदा किस तरीके से, फर्स्ट सपोर्ट ये वाला दिख रहा है, सेकंड सपोर्ट क्या दिख रहा है, सेकंड सपोर्ट हमें ये वाला दिख रहा है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला हो जाता है, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाता है और सेकंड टारगेट ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ से छोटे वाले टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से हमें रिवार्ड बड़ा मिल जाता है, ठीक है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रेडर्स सिंपल लॉजिक के साथ ट्रेड को प्लेस किया था सेल डायरेक्शन में। आई होप आपको एनालाइज पसंद आया होगा ट्रेडर्स। अगर आपको एनालाइज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की लाइव ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। ट्रेडर्स अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फॉरेक्स सिग्नल
यूज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ट्रेडर्स नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।